हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पेट केयर एंड इन्फो में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपकी एक्वेरियम फिशेस को फंगी लग जाए तो क्या करें। फंगी पहले बताते हैं, फंगी एक डिजीज है जो ज्यादा विंटर में होती है। इसमें आपकी जो फिशेज होती हैं उनकी बॉडी पे वाइट वाइट स्पॉट लग जाता है। मैं उसकी इमेज आपको भी दिखा दूंगा, आप देख लेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस डिजीज का इलाज मैं आज आपको बताऊंगा। ये बहुत सिंपल है और चीप है। ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको 10 रुपए लगेगा, नहीं तो ये चीज आपके घर पे भी होगी। तो उस चीज का नाम है सेंधा नमक। सेंधा नमक आपके घर पे भी होगा, 10 रुपए का आता है पैकेट, काफी बढ़िया होता है। आप इसको एक्वेरियम में डाल सकते हैं, जिसमें आप मेरा एक्वेरियम जैसे ये 1.5 फीट का है, तो आपको इसमें उतना सेंधा नमक डाल देना। आपको सेंधा नमक दिखा देता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों, ये है सेंधा नमक। सो सेंधा नमक कहते हैं, ये आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा। तो आपको एक चम्मच सेंधा नमक को अपने 1.5 फीट के एक्वेरियम में डाल देना। देखिए, इतना बड़ा चम्मच लेना है, उसको भी 1.5 फीट के एक्वेरियम में डाल देना है। तो एक्वेरियम में डाल उसको अच्छे से मिला देना है और इससे आपकी फंगी ठीक हो जाएगी, जो आपको फिस्क हुई होगी। मैं आपको अभी डाल के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो देखिए, मेरा एक्वेरियम में अभी कल डाला था। और हाँ, एक चीज ये नोटिस रखिएगा कि जब भी आप डाले तो आपका पानी थोड़ा गंदा हो। इसको आप डालने के बाद अगले दिन या फिर 2-3 दिन बाद पानी बदल दें एक्वेरियम का, वरने आपके फिशेस को नुकसान भी कर सकता है। इसको डालने के बाद अपने एक्वेरियम का पानी बदल दें। तो देख सकते हैं, मैं इतना डालूंगा आपने, क्योंकि मैंने कल भी डाला था, तो मैं आज थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। मैं इतना भी अपने एक्वेरियम डाल के मिला दूंगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं इतना नमक है। इसको पहले अपने हाथ में ऐसे लेना है, अपने हाथ में मुट्ठी बना लेनी है, फिर उसको अपने एक्वेरियम में ऐसे मिला देना अच्छे से। इसको ये नोटिस रखिए, किसी फिश के ऊपर ना गिराएंगे डायरेक्ट, क्योंकि अगर उसके ऊपर गिरे तो नुकसान भी कर सकता है। ये मैंने अपने एक्वेरियम मिला दिया है। आपको अपने फिर हीटर का टेम्परेचर 26 डिग्री रखना है और फिल्टर को ऑन रखना है। फिल्टर को इसलिए ऑन रखना है जिससे पानी थोड़ा सा साफ हो जाए और जो नमक एक्स्ट्रा है वो बाद में पानी उसमें मिक्स हो जाए पानी में अच्छे से। और जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ऊन लगाया है, तो मैं इसका आपको रीजन बाद में बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप में किसी के पास बजीज है तो मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, आप देख सकते हैं। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय। जय हिंद। क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट।